जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रमुख देशों की संसद, राजधानी और उनकी मुद्रा के बारे में। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, इजराइल की संसद का क्या नाम है? तो दोस्तों, इजराइल की संसद का नाम है नेसेट। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है आपका एकदम सही आंसर होगा। अब दोस्तों, यहाँ पर बात अगर इजराइल की हुई है तो उसकी मुद्रा और राजधानी के बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इजराइल की जो राजधानी है वो है जेरूसलम और उनकी जो करेंसी है वो है दोस्तों इजराइली सेकेल। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों हर एक देश की संसद के साथ साथ उनकी राजधानी और करेंसी भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, जर्मनी की संसद का क्या नाम है? तो दोस्तों, जर्मनी की संसद का नाम है बुंडस्टैग। तो ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर होगा। जर्मनी की राजधानी की बात की जाए दोस्तों तो है बर्लिन, और करेंसी यानी कि मुद्रा की बात की जाए तो वो है दोस्तों यूरो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ईरान की संसद का क्या नाम है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो दोस्तों, ईरान की जो संसद का नाम है वो है मजलिस। तो यहां पर ऑप्शन डी एकदम सही आंसर होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों, राजधानी है ईरान की तेहरान, आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, ईरान तेहरान। ठीक है, बहुत सिंपल वर्ड है, एक दूसरे से मिलते हैं तो आपको याद रखने में आसानी होगी। तो ईरान की राजधानी कहां पर है दोस्तों? तेहरान में, और करेंसी यानी कि जो मुद्रा है वो है रियाल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर है दोस्तों, जापान की संसद का नाम क्या है? तो दोस्तों, जापान की जो संसद का नाम है वो है डाइट। तो ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर होगा। जापान की राजधानी है दोस्तों टोक्यो, और करेंसी है इनकी जापानी येन। ठीक है, तो याद रखना, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है, करेंसी जापानी येन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 5, स्वीडन की संसद का क्या नाम है? ठीक है, स्वीडन की संसद का क्या नाम है? तो दोस्तों, स्वीडन की संसद का जो नाम है वो है रिक्सडॉग। तो यहां पर ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। स्वीडन की राजधानी होगी दोस्तों स्टॉकहोम, और करेंसी है इनकी स्वीडिश क्रोना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारा, नॉर्वे की संसद का क्या नाम है? तो दोस्तों, नॉर्वे की संसद का जो नाम है वो है स्टोर्टिंग। तो ऑप्शन डी यहां पर आपका सही आंसर होगा। नॉर्वे की राजधानी है दोस्तों ओस्लो, और करेंसी है इनकी नॉर्वेजियन क्रोन। ठीक है, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, इंडियन नेवी हो, इंडियन एयरफोर्स हो, SSC GD, रेलवे, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपका एक नंबर का क्वेश्चन इस वीडियो में से जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, पोलैंड की संसद का क्या नाम है? तो दोस्तों, पोलैंड की जो संसद का नाम है वो है सोजिम। तो यहां पर ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। बात दोस्तों यहां पर पोलैंड की हुई है, तो पोलैंड की राजधानी का नाम है वारसा, और करेंसी है पोलिस ज्वालिटी। ठीक है, पोलैंड की राजधानी कहां पर है? वारसा में है, और इनकी मुद्रा यानी कि करेंसी है पोलिस ज्वालिटी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ज्यादा दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आता है, नेपाल की संसद का क्या नाम है? तो दोस्तों, नेपाल की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। तो यहां पर ऑप्शन ए आपका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेपाल की राजधानी है दोस्तों काठमांडू में, और इनकी करेंसी यानी कि मुद्रा है नेपाली रुपया। ठीक है, मुद्रा है इनकी नेपाली रुपया, संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत, और राजधानी कहां पर है? काठमांडू में। ठीक है, चलिए ये थोड़ा सा जूम हो गया है तो मैं इसको ठीक कर लेता हूं एक बार। ये देखिए, आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नाइन है हमारा, मलेशिया देश की संसद का क्या नाम है?
तो दोस्तों मलेशिया का संसद का नाम, सॉरी मलेशिया देश की संसद का नाम है दीवान निगारा। तो ऑप्शन बी यहां पर आपका सही आंसर होगा। मलेशिया की दोस्तों राजधानी है कुआलालंपुर में और इनकी करेंसी है मलेशिया रिंगित। ठीक है, करेंसी मलेशिया रिंगित, राजधानी कुआलालंपुर और मलेशिया की संसद का नाम है दीवान निगरा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर टेन है हमारा, डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? तो दोस्तों डेनमार्क की संसद का नाम है दोस्तों फॉल्केटिंग। तो यहां पर ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर होगा। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन और करेंसी है इनकी डेनिश क्रोन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर इलेवन काफी सिंपल है और आपके लिए इसका आंसर पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने इस क्वेश्चन के लिए इस वीडियो में डाला है। भारत की संसद का क्या नाम है? तो दोस्तों भारत की संसद का जो नाम है संसद ही है। ठीक है, भारत की संसद को क्या कहा जाता है? संसद कहा जाता है। राजधानी कहां पर है? नई दिल्ली में है और करेंसी है भारतीय रुपया। ठीक है, भारत का दोस्तों एक नया संसद भवन भी बनकर रेडी हो गया है जो कि नई दिल्ली में ही है। उसके ऊपर भी मैं एक इंपॉर्टेंट वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लेना, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, रूस की संसद का क्या नाम है? तो दोस्तों रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। तो ऑप्शन बी यहां पर आपका सही आंसर होगा। रूस की राजधानी है दोस्तों मॉस्को और करेंसी है इनकी रूबल। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, डबल स्टार मार्क कर लीजिए, रूस की संसद का क्या नाम है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर थर्टीन है, स्पेन की संसद का क्या नाम है? तो दोस्तों स्पेन की संसद का क्या नाम है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए यहां पर जो है वो सही आंसर होगा, कोर्टेस जेनरालेस। कोर्टेस जेनरालेस जो है वो स्पेन की संसद का नाम है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, करेंसी यूरो है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, ब्रिटेन की संसद का क्या नाम है? तो दोस्तों ब्रिटेन की संसद का नाम है पार्लियामेंट। तो यहां पर ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ब्रिटेन की राजधानी है दोस्तों लंदन और करेंसी है इनकी पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, इसे केवल पाउंड के नाम से ही जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को बताने से पहले मैं बता दूं कि दोस्तों इस सीरीज में एक वीडियो और आएगी, इसी की पार्ट टू, जिसमें मैं आगे के 15 क्वेश्चंस कराऊंगा। एक ही वीडियो में मैंने सभी क्वेश्चन इसलिए नहीं डाले क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती है। ठीक है, तो ताइवान की संसद का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 15 है, ताइवान की संसद का नाम है दोस्तों युआन। ठीक है, और ताइवान की राजधानी है ताइपे और करेंसी है इनकी नाई ताइवान डॉलर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, पार्ट टू के लिए इंतजार जरूर करना, कल इसका पार्ट टू पब्लिश होगा। और ये इसका है दोस्तों आंसर की। इस वीडियो के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ में दोस्तों इसको जो है वो शेयर जरूर कर देना। तो चलिए कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।